क्लास 12 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हमारे में 3 चैलेंज थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 3 चैलेंज सारे को फेस करना था इंडिया वाले को। पहला चैलेंज, इमीडिएट चैलेंज वाज टू सेव अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड इट एकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। एक ऐसा देश बनाना जहाँ पे बहुत विभिन्नता हो, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हों, लेकिन सबको साथ लेकर के यूनाइटेड होकर एक साथ रहना, एकत्रित होकर रहने का। दूसरा चैलेंज था टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्थापित करना जहाँ पे सबको समान अधिकार हो। कैसे, किसको क्या क्या अधिकार दिया जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिल पाए, एक ऐसा संविधान बनाया जाए, सबके मौलिक अधिकारों का रक्षण किया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शन। सभी के हित के बारे में सोचा जाए, ना कि एक पार्टिकुलर सोसाइटी के हित के बारे में सोचा जाए। ऐसा नहीं हो, अमीर हो तो अमीर की भी नीड को पूरा किया जाए, गरीब की भी नीड को समझा जाए और उनकी भी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। ऐसा एक संविधान बने ऐसा जिसमें कि सबकी भलाई हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, सब को एक समान अधिकार हो। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, जो बंटवारा हुआ उससे लार्ज अमाउंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक जगह से दूसरे जगह जाना और वहाँ पे जाके बसना। लाख्स ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स लॉस्ट देयर होम्स, लाख से भी ज़्यादा लोग जो थे वो अपना घर खो बैठे हैं, एंड प्रॉपर्टीज एंड बिकम विक्टिम ऑफ कॉमोनियल वायलेंस, और वायलेंस का शिकार, मतलब कि बहुत ही कुर्ता का व्यवहार हुआ उस समय। लोग मतलब लाशें जाती थी एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ के लोग को वहाँ पे जाना, वहाँ के लोग को यहाँ पे आना। एक रात में फैसला हो गया था कि यहाँ ये आपका घर नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। एंड दूसरा था द पार्टीशन पंजाब एंड बंगाल, डीपेस्ट तरुणा ऑफ पार्टीशन। पंजाब और बंगाल में, पंजाब और बंगाल का पोर्शन था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा पार्टीशन का सबसे ज़्यादा वहाँ पे असर पड़ा। बहुत सारे मात्रा में रिफ्यूजी इस देश में आए, बहुत सारे लोग गए, और उन लोग जहाँ पे बरसों से रहते आ रहे थे उनका घर एक क्षण में बिखर गया और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा दूसरे जगह, वहाँ के लोगों को यहाँ आना पड़ा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, क्या क्या प्रभाव पड़ा ये बंटवारा से। मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज नॉन, ऐसा घटना जो कि पहली बार इतिहास में हुआ था, ना कोई सोचा था, अचानक जैसे पहाड़ टूट जाता है उस तरह का हुआ। बहुत मात्रा में पॉपुलेशन जो थे उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना, एकाएक रात भर में फैसला हो गया, माउंट बेटन ने सुनाया, और रात भर में लोग एक जगह से प्लान करके दूसरे जगह जाने को विवश हो गए। दूसरा, माइनॉरिटीज ऑफ बोथ साइड ऑफ बॉर्डर फिल्ड देयर होम एंड सिक्योर टेम्प्रोरी शेल्टर एंड रिफ्यूजी कैंप। जो माइनॉरिटीज थे ना, जो अल्पसंख्यक थे ना दोनों जगह के, उनको बॉर्डर से उस तरफ भागे अपने घर खोजने के लिए, रिफ्यूजी कैंप खोजने के लिए कि हम रहेंगे। दोनों साइड के जो माइनॉरिटीज थे, अल्पसंख्यक थे, घर बार सब कुछ उनका लूट गया और भागे दूसरी जगह। वोमेन वेयर ऑफ्टन अबडक्टेड, रेप्ड, अटैक्ड, एंड जो औरतें थीं उनको रेप कर दिया गया, उनके साथ मार दिया गया। बहुत सारी खुद के माता पिता उसको मार दिए इज्जत बचाने के खातिर, क्योंकि इतना ज़्यादा त्रासदी था, इतना ज़्यादा वायलेंस था कि उनको लगता था कि अगर बेटी बच गई तो उनके साथ ज़बरदस्ती मुस्लिम लोग करेंगे, रेप्ड कर देंगे। तो इज्जत के खातिर उन्होंने अपनी ही बेटी को खुद ही झाड़ दे के मार दिया। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल्ड बोथ साइड, जो पॉलिटिकल राजनीतिक थी कि किसी भी तरह इस वायलेंस को शांत किया जाए, ना पॉलिटिकल ना एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों में से कोई काम नहीं आया, दोनों साइड फेल हो गए। और ये त्रासदी, ये महामारी, क्या बोले, इतना वायलेंस को कोई नहीं रोक पाया। ये बहुत बहुत
दुखद और बहुत ही दर्दनाक घटना घटी हमारे देश में, जिसको सब देख रहे थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत लोगों की जाने गई। बंगाल और पंजाब में इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ कि लोग इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, देयर वेयर टू टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब कैसे प्रिंसली स्टेट को मिलाया जाए। हमारे देश में बहुत सारे राजवाड़े थे, उन राजाओं से बात करना और उनको हमारे देश में सम्मिलित होने के लिए राजी करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे देश के नेताओं के लिए। देयर वर टू टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिश सरकार हम लोग पे राज कर रही थी ना, तो दो तरह के प्रोविंसेस थे। पहला द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, जो कि ब्रिटिश डायरेक्टली अंडर कंट्रोल था, ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्ट वे में चलाया जा रहा था। एंड दूसरा द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और एक था प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रिंसली स्टेट गवर्न बाय द इंडियन प्रिंसेस। जो प्रिंसली स्टेट था वो इंडिया के जो राजा थे उनके द्वारा चलाया जा रहा था। दो तरह के थे, तो जब अंग्रेज गए हैं तो दोनों को आज़ादी मिली। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि दोनों को साथ में कैसा ले आया जाए, प्रिंसली स्टेट को इंडिया में कैसे मिलाया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रयास किए और बहुत राज्यों से समझौता हुआ और साइन हुआ और वो हमारे देश का पार्ट बने, पर मामला फंस गया। तीन चार राजा थे जो मान ही नहीं रहे थे, जैसे त्रावणकोर के जो राजा थे वो हम इंडिया में जुड़ने के लिए मना कर देते हैं, हैदराबाद के राजा भी राजी नहीं होते, कश्मीर में भी वही हाल था, मणिपुर में भी राजी नहीं होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग अपना राज्य खुद चलाएंगे और हम आप में शामिल नहीं होंगे। तो इन सब में मामला फंस जाता है और उसके बाद किसी को कोई ना कोई लालच देकर शांति भाव से, प्रेम से, या फिर ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री का उपयोग करके उन लोगों को मिलाने का अथक प्रयास पटेल जी करते हैं और वो कामयाब ही रहते हैं। गवर्नमेंट अप्रोच, तो गवर्नमेंट जो हमारी सरकार थी उनका क्या अप्रोच था। द गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसीडरेशन, बहुत सोच विचार करने के बाद वो फैसला लेती है कि मतलब हम तीन अप्रोच को अपनाएंगे। ठीक है, पहला था कि द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट्स ऑफ यूनियन। जो लोग हैं ना प्रिंसली स्टेट के राजवाड़े को, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टेरिटोरी के पार्ट होने चाहिए, भारत में ही सम्मिलित होने चाहिए। दूसरा अप्रोच था सरकार का, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू फ्लेक्सिबल गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन, मतलब कि उनको भी कोई बाधित नहीं रहेंगे, उनको फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी देंगे। ठीक है, राजा को कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको जैसे कि पीवी पर्सेस दिया जाता था, लेकिन हाँ उनके जो सरकार की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, राज्य की इंटरनेशनल रिलेशन, वो सबको देखना, टेलीकम्युनिकेशन, ये मिलिट्री, ये सबको वो रखेंगे। तीसरा था कंसीडरेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन एंड अज्यूम सुप्रीम इम्पोर्टेंस, वही अधिकार उनको भी मिलेगा जो कि हम अपने राज्य को देंगे। प्रिंसली स्टेट को भी वो सारे अधिकार होंगे, सारे उनके हित में काम होंगे। हैदराबाद के जो किंग थे, निज़ाम, वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, वो इंडिया में शामिल होने के लिए राजी नहीं होते हैं। अभी हैदराबाद प्रेजेंट डे कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का पार्ट है। जब निज़ाम नहीं मान रहे थे तो बहुत मनाने का कोशिश किया गया, नहीं माने, वहाँ पे बहुत वायलेंस देखा गया। नन मुस्लिम जो लोग रहते थे उनके साथ रेप्ड, मर्डर्ड, मतलब लड़कियों के साथ किसी का मर्डर कर दिया गया, बहुत हिंसा देखने को मिली। तो 28 सितंबर में 1948 में तो सरकार जो थी वो ऑर्डर करती है आर्मी को
आर्मी को ऑर्डर कर दी है, टैकल सिचुएशन, जाओ और जा करके उस सिचुएशन को संभालो और हैदराबाद में जो हो रहा है उसको ख़त्म करो। और तो आर्मी लोग जाती है, कुछ दिन तक फाइट चलती है, लड़ाई होती है, फिर कुछ दिनों के बाद ही निज़ाम जो है सरेंडर कर जाता है और हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन जाता है। मणिपुर में क्या हुआ, जो वहाँ के महाराजा थे बोधा चंद्र सिंह, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ साइन कर लेते हैं मर्ज कि हम मर्ज होना चाहते हैं इंडिया में अपने स्वेच्छा से। सितंबर 1949 को वो साइन होती है, बट वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो क्वेश्चन उठाती है कि आप क्यों मर्ज हुए, और कांग्रेस चाहती थी मणिपुर को मर्ज करना और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे वो उसके खिलाफ थे, लेकिन मर्ज हो जाता है क्योंकि जो राजा हैं बोधा चंद्र वो तो साइन कर दिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट, कि स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा उसके बारे में। ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिकॉग्नाइज द डिमांड ऑफ अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लेजिस्लेटिव बेसिस। जब नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तब इंडियन जो कांग्रेस थी वो कहती है कि वो भी डिमांड करती है कि जो हम स्टेट बनाएंगे वो भाषा के आधार पे बनाएंगे, ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंट दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड पोस्टपोन्ड बिकॉज द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश एंड फेट ऑफ प्रिंसली स्टेट हैड नॉट बी डिसाइडेड। जब हमारा देश आज़ाद होता है तो ये आइडिया को कांग्रेस सरकार भूल जाती है क्योंकि वो पहले ही बंटवारा देख चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान का, और वो बड़ा नहीं था, और वो सोच रही थी कि कहीं भाषाई आधार पे हम बांटें तो शायद और ज़्यादा कुछ हिंसा देखने को मिले इस कारण। और उनको दूसरा कारण था कि द फेट ऑफ प्रिंसली स्टेट हैड नॉट बी डिसाइडेड, और जो राजबाड़े थे उनका फ्यूचर आगे भाग्य में क्या होगा वो भी कांग्रेस सरकार को पता नहीं थी, इसलिए वो इस बारे में कुछ करना नहीं चाहती थी। पर आफ्टर द लॉन्ग मूवमेंट ऑफ दिसंबर 1952 में जब आंदोलन होता है तो आंध्र प्रदेश बनता है, उसमें एक बहुत ही गांधीवादी नेता का मृत्यु भी हो जाता है, तो सरकार को एक सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्टेट रिकॉग्नाइजेशन मतलब कमीशन ऑफ 1953, फिर 1953 में एक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन लाती है। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956 में एक एक्ट पास होता है जो कि 14 स्टेट को बनाता है, 14 स्टेट को बनवाया जाता है, और 6 यूनियन टेरिटरीज भी वही एक्ट के तहत बनती है। रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 में आया था,